शहडोल जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने में लगा हुआ है। ऐसे में जनता अपने क्षेत्र में रुके हुए विकास की बात कर रही है, तो कई लोग अपनी विभिन्न समस्याएं अपने जनप्रतिनिधियों को बता रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब साधना ने उसकी टीम पहुंची शहडोल जिले के ब्योहारी क्षेत्र के ग्राम खड्डा, जहां जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी डॉक्टर नीलम पटेल के समर्थन में भारी जनसैलाब उमड़ता दिखाई दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, आज साधना न्यूज शहडोल की टीम आ पहुंची शहडोल संभाग के सबसे अंतिम छोर पर, जिसका नाम है ग्राम पंचायत खड्डा, जहां पर डॉक्टर नीलम कुलदीप पटेल के उपलक्ष्य में जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जिनसे जानेंगे उनके चुनावी मत के बारे में कि लोगों का क्या राय है, क्या सोच है कि किसको वोट देंगे जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3 के लिए। आइए मिलते हैं लोगों से। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं कि मेरा नाम गणेश साकेत है। क्या लगता है कि आपके गांव का विकास कहां पर रुका है और किसको वोट देंगे तो ये विकास आगे बढ़ पाएगा? हमारे गांव का विकास तो बहुत अभी पीछे चल रहा है। हमारे जो हम ग्राम खड्डा से जरूर हैं, लेकिन जो ये डंडी टोला है, डंडी टोला का बहुत अभी विकास कम है, क्योंकि सब सर्वप्रथम तो यहाँ रोड की समस्या है। जैसे कि अभी वर्तमान में जुलाई महीने से लेकर अगस्त अक्टूबर तक बरसात चलेगी, आए दिन किसी को कुछ भगवान न करे समस्या हो जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं है प्रथम, दूसरा बिजली की समस्या, और तीसरा यहाँ जितने गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास आप कहीं भी नहीं देख रहे, नजर में दिख रहा हो आपको। तो यही हमारा निवेदन है कि यदि दीदी हमारी बहन निकल रही हैं तो हमारे आए दिन इसी समस्याओं का समाधान के लिए ध्यान देते रहेंगे, और हमारे गरीबों के लिए यदि आप नजर रखेंगे तो आने वाले समय में भी ऐसा आपको अवसर मिलेगा। तो आपका समर्थन है इनके साथ? भरपूर समस्या हमारे दीदी जी अगर कहा चाहिए कि यहाँ का विकास पूरा करे तो हम दीदी जी नहीं वोट दे, और नहीं नेता हम बना होगा। आपको क्या लगता है, क्या सोच है आपकी कि गांव का विकास कैसे पूर्ण होगा और किसको वोट देंगे आप? मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए और कुछ वृद्ध जनों से जानते हैं कि क्या राय है उनकी, किसको वोट देंगे? नीलम दीदी ने देंगे जी जी। और गांव का विकास, गांव में आपके 100 से भी पूर्ण नहीं है, क्या लगता है आपको? विकास तो साहब देख रहे हैं कि जौन है तो यहाँ न सामने रोड में। गांव के विकास में कई सारी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या के बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं आप? जैसे आप हमारे यहाँ का लाइट अगर गया और तो हमारे पास हैंड पंप सरकारी खोजा तो बिगड़ा है, आज तक उसके उसका कोई मरम्मत नहीं, कोई बना पानी के हम परेशान है जी। हाँ रोड तो है ये है जी जी जी। आइए महिलाओं से जी, क्या क्या समस्याएं हैं आपको, क्या क्या जानकारी देते हैं? बीमारी हो जाता है तो कोई को पैसा न हो साहब, तो गरीब लोग यहाँ मरे, जब पैसा हो तो फिर जान को घर हमारा, कोई विकलांग है, कोई बीमारी है, रोग है, बीता है, कोई न ले जा सके, न कुछ हो, न घर द्वार का, न कोनो पानी का, न रोड का कोनो साधन नहीं। कुल मिला के स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी इस गाँव में, बहुत कमी। किसको वोट देंगे आप, क्या लगता है आपको? अब जैसा सबको करनी, दीदी जी का जिता, जब हमारे समस्या देखें तो उन्होंने हम जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, आपको क्या लगता है कि क्या वोट, किसको वोट देंगी और क्या सुविधाएं मिल सकती हैं आपको आगे चल के? हम दीदी जी का वोट, नीलम दीदी जी का। सबसे हमें कष्ट का है कि भूमि अहीन है, निस्तार करने के लिए दौरत रहा, बदरा हुई दाना है, भूखन मारा, लाइट बिगड़ रहा, पानी जा बिगड़ 25 के यहाँ तू। नमस्कार दर्शकों, आज साधना न्यूज शहडोल की टीम आ पहुंची शहडोल संभाग के सबसे अंतिम छोर पर, जिसका नाम है ग्राम पंचायत खड्डा, जहां पर डॉक्टर नीलम कुलदीप पटेल के उपलक्ष्य में जनसैलाब उमड़ा हुआ है, जिनसे जानेंगे उनके चुनावी मत के बारे में कि लोगों का क्या राय है, क्या सोच है कि किसको वोट देंगे जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3 के लिए। आइए मिलते हैं लोगों से। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं कि मेरा नाम गणेश साकेत है। क्या लगता है कि आपके गांव का विकास कहां पर रुका है और किसको वोट देंगे तो ये विकास आगे बढ़ पाएगा? हमारे गांव का विकास तो बहुत अभी पीछे चल रहा है। हमारे जो हम ग्राम खड्डा से जरूर हैं, लेकिन जो ये डंडी टोला है, डंडी टोला का बहुत अभी विकास कम है, क्योंकि सब सर्वप्रथम तो यहाँ रोड की समस्या है। जैसे कि अभी वर्तमान में जुलाई महीने से लेकर अगस्त अक्टूबर तक बरसात चलेगी, आए दिन किसी को कुछ भगवान न करे समस्या हो जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा यहाँ नहीं है प्रथम, दूसरा बिजली की समस्या, और तीसरा यहाँ जितने गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, पीएम आवास प्रधानमंत्री आवास आप कहीं भी नहीं देख रहे, नजर में दिख रहा हो आपको। तो यही हमारा निवेदन है कि यदि दीदी हमारी बहन निकल रही हैं तो हमारे आए दिन इसी समस्याओं का समाधान के लिए ध्यान देते रहेंगे, और
हमारे गरीबों के लिए यदि आप नजर रखेंगे तो आने वाले समय में भी ऐसा आपको अवसर मिलेगा। तो आपका समर्थन है इनके साथ? भरपूर समस्या हमारे इसमें। दीदी जी अगर कहे चाहिए कि यहाँ का विकास पूरा करे तो हम दीदी जी नहीं वोट दे अब और नहीं नेता हम बना हुआ। आपको क्या लगता है, क्या सोच है आपकी कि गांव का विकास कैसे पूर्ण होगा और किसको वोट देंगे आप? मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए और कुछ वृद्ध जनों से जानते हैं कि क्या राय है उनकी, किसको वोट देंगे? चारा नीलम दीदी ने देंगे जी जी। और गांव का विकास, गांव में आपके 100 सेवाएं पूर्ण नहीं है, क्या लगता है आपको? विकास तो साहब देख रहे हैं कि जो है यहाँ न सामने रोड में। जैसा कि हमने जाना कि गांव के सभी लोग नीरम जी को वोट देने के लिए उत्साहित हैं, आपको क्या लगता है कि किसको वोट देंगे आप और गांव का विकास कहां तक रुका है आपके? अरे हमारे तो सब रुका है साहब, यहाँ जो पट्टा है बसे हैं हम तो निकार निकार है, टारा टार है वही अब का बोलिए वही कब हम जंगल से पढ़े लिखो तो बताई हम कह यहाँ है कि यहाँ पट्टा मिले चाहिए वही और हमें विकास चाहिए वही और हमारे शरीर का है कोई सरकार के हम पट्टा दे कहे सरकार है हम आज कही सब कालो कही हाँ लीलभ जी का हाँ गाँव में आजा परपाजा पुरखर के छेड़े जमीन है जंगल है हमारे पास एक तोला जावा जमीन ही रहा यहाँ जंगल में आए और यहाँ जंगल से नहीं जानी को राजा हमें बसावत यहाँ नहीं जानी को राजा यहाँ उठा के भगा दे आज तक पता नहीं। तो क्षेत्र विकास नीरम जी करेंगे आपके? हाँ करेंगे। तो आपका वोट उनके लिए है? हाँ हाँ यह बात है हमारी हित करी है नीरम जी पहले तो पीछे उनका हित हुई और न करी है तो हम आजाद के अनुकूल फिर एक ही बराबर वोट करो जाति। आपको लगता है कि उनसे वोट देंगे अगर वो जिला पंचायत वार्ड सदस्य बनती हैं तो इससे गांव का विकास होगा? हाँ होगा जी। क्या लगता है कि वोट आपका किसको जाएगा? लगता है कि दीदी को जाएगा वोट जी। हमारे यहाँ की सुविधा सुधार कर दें जी तो हमें विश्वास है कि दीदी का वोट जाएगा। डॉक्टर नीलम दीदी हमारे क्षेत्र की बेटी है, हम गरीबों की समस्या सुनेंगे, डॉक्टर नीलम दीदी को अपना मतदान देकर उनको भारी भारी मतों से विजयी बनाएंगे। डॉक्टर नीलम जी का पूरा समर्थन है यानी? पूरा समर्थन हमारा है। ये जन सैलाब जो उमड़ा होने के लिए उमड़ा हुआ है, होने के लिए उमड़ा है। तो लगता है आपके गांव का विकास नीलम दीदी द्वारा होगा? हाँ नीलम दीदी द्वारा होगा। दीदी को हम नेता बनाएंगे, वो हमारा समस्या सब हल करेंगे। क्या नाम है दीदी जी? नीलम दीदी जी, डॉक्टर कुलदीप, जिंदाबाद। तो दोस्तों आपने जन जन से जाना कि जिंद्रवाड़ा जन सैलाब यहाँ पर उत्पन्न हुआ है डॉक्टर नीलम कुलदीप पटेल के उपलक्ष में। आइए उनसे जानते हैं कि उनके इन जन सैलाब के बारे में क्या मत है कि इतना बड़ा समर्थन उनको मिल रहा है। डॉक्टर नीलम जी सर्वप्रथम तो आप बताएं कितना बड़ा जन सैलाब आपके लिए उमड़ा हुआ है, क्या क्या समर्थन है और क्या मत है इन लोगों के लिए कि इस गाँव का विकास आप किस तरीके से करेंगे? मुझे सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपने क्षेत्रवासियों को, मेरी माताएं बहनें काफ़ी यहाँ पे आई हुई हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं अगर जीतती हूँ, मैं विजयी होती हूँ, मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो अपने क्षेत्रवासियों के लिए मैं बहुत ही कार्य करने वाली हूँ, चाहे वो सड़क के लिए हो चाहे वो। डॉक्टर नीलम कुलदीप पटेल अगर जिला पंचायत सदस्य बनती हैं तो जिस प्रकार हमने ग्रामजनों के विकास की समस्याओं के बारे में जाना कि कितनी समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं को पूर्ण कर पाएंगी, आपको क्या लगता है उस बारे में? जी यही आशा विश्वास है कि पूरा कर पाएंगे, इसलिए कि अभी तक तो जो कोई भी जनपद हुआ पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं, रोड देख लीजिए है ना, अभी तक लोगों के पास मतलब बिजली तक नहीं पहुंचा है, जबकि सरकार सब कुछ देता है लेकिन उस योजना का लाभ क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने आज तक मतलब सही से चुना ही नहीं प्रत्याशी है ना। हमारे दादा परदादा जो अभी तक की हमारी जनरेशन आती गई वो सिर्फ अब उसमें अब कि हमारा ये बहू है या कि बेटा है ना, या कि बेटा का लड़का है ना, इस तरह हम प्रत्याशी चुने है ना, आज तक हम शिक्षित नहीं चुने, इसकी वजह से हमारे युवा साथी है ना पिछड़ा हुआ है, हमारे साथ युवा साथी भी पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। आज भी देख लीजिए ना, यहाँ स्कूल है ना, एक आंगनबाड़ी के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आप देख लीजिए यहाँ पे कठौरा जैसे रोड है सर है ना, आप खुद चलेंगे आदमी के शरीर का नट बोल्ट ढीला हो जाए है ना, आप आएंगे जाएंगे आप खुद ही देखे होंगे, आप आए होंगे उधर से तो है ना, सेकंड बार देखिए यहाँ आदमी जैसे खेती किया किसानी किया है ना, यहाँ सब किसान लोग हैं समझ रहे हैं, किसानों को बिजली की बहुत जरूरत है साहब, यदि ऊपर से तो भगवान साथ नहीं दे रहा है ना, पानी तो गिर नहीं रहा है तो लाइट की बहुत जरूरत है, यदि लाइट नहीं रहेगा। और साहब हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं है ना, ये पढ़ने से वंचित रह जाते हैं है ना, कारण ये है कि हमारे यहाँ 5 किलोमीटर दूर
है ना, स्कूल है ना, जिससे बच्चे जा नहीं पाते है ना। छोटे बोलना है कि यहाँ 5 किलोमीटर के अंतर्गत कोई स्कूल नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई स्कूल नहीं है ना, कोई आंगनबाड़ी तक होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जाके पढ़ लें, है ना। तो कैसे विकास होगी जब तक हमको शिक्षा ही नहीं मिलेगा, हम लोग हम लोगों के बीच में शिक्षा ही नहीं आएगा तो कैसे हम शिक्षित होंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे, है ना। किसान के तो किसान ही रह पाएंगे, लेकिन वो किसान में भी हमको हमारे लाइट और पानी की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है ना, ना हमारे बच्चों के लिए पढ़ने की सुविधा मिल पा रही है ना, ना लिखने की सुविधा मिल पा रही है ना। बच्चों के बच्चे जो पिछड़े हुए हैं पिछड़े ही रह जाएंगे सर, है ना। इसीलिए हम शिक्षित ईमानदार नेता हम चुनना चाहते हैं, है ना, कि शिक्षित हो, है ना। अभी तक तो हमने जो चुना तो चुना, लेकिन शिक्षित नेता हम चुनना चाहते हैं, है ना, डॉक्टर नीलम जी को, है ना, चुनना चाहते हैं सर। नमस्कार दर्शकों, आज साधना न्यूज़।